हेलो दोस्तों, तो नमस्ते प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? हमारी यूट्यूब फैमिली सारे ठीक ठाक ही होंगे। और आज अभी हम बना रहे हैं दूध पुआ। मेरी छोटी बेटी का फरमाइश था दूध पुआ बनाने के लिए, है ना छोटी? इधर देखो, ये देखिए, हम लोग तो ढकनेसर कहते हैं, दूध पुआ भी कहा जाता है। अरे हाँ, जान रहे हैं। तो ये देखिए, चावल दूध बचका। पापा बोल रहे हैं दूध बचका कहा जाता है, तो चावल का बना रहे, चावल के आटा का। ये देखिए, इसका फरमाइश पगली के ये बन रहा है दूध बचका। यहाँ पे ढक्कन लगाकर पका रहे हैं, देखिए कैसा बनेगा। ढक्कन लगा देंगे ना तो तुरंत दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया से जो है मेरा दूध पुआ बन रहा है, फुला फुला। ये देखिए, जालीदार रस भरा। और इसमें देखिए, इसमें डाल रहे हैं। और यहाँ पे चलने लगा छोटी को और काजल को। और उधर मेरे पापा, बाबू तुम नहीं खाएगा? ओए तू नहीं खाएगा? फुन फुन तो सवेरे से खाई नहीं हो आए छोटी? देखिए सीजन का आम, ये आया है चटनी के लिए। हमारे पति देव जी लाए हैं चटनी के लिए, देख सकते हैं। लस लस कर रहा हाथ में मेरा। अभी आम में फल लग रहे हैं छोटे छोटे से, और इतना बड़ा बड़ा भी से मिलने लगा भी। मुनसा आया है और सब्जी वगैरह आया है। और दोस्तों, आज से जो है ना लाइन का प्रॉब्लम आज से कुछ हल हुआ है, पैसा जमा हुआ है। तो आज से रहेगा, क्योंकि हम जिस दिन से लाइन कटा है उस दिन से इतना दिमाग खराब था कि क्या बताएं। टेंशन तो अभी भी है, क्योंकि कर्ज लेकर पैसा देना पड़ रहा है। फिर भी कुछ हैप्पी। तू बदमाशी काहे करता है नहीं टाइम रे? तो अभी चलते हैं दोस्तों, शाम हो गई है, खाना बना ले। ये देखिए यार, बेटा को मेरा देखिए, आज कितना सारा हाथ छील कर आया है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, गिर कर कैसे छील लिया है। ये देखिए, हाथ को बिगाड़ के रखा है। ये देखिए हाँ, और एक यहाँ पे छील ले है। ये देखिए अब दिखा रहा है गधा। और ये सब पैर उर सब में खेलते खेलते छील लेता है। रात हो गई है दोस्तों, यहाँ अभी 11 बजने वाली है। तो आप लोगों को गुड नाइट, और हम भी चलते हैं सोने, और पति देव जी भी सो गए हैं। ये देखिए, तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं मॉर्निंग के टाइम सुबह। हेलो दोस्तों, प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुबह सुबह का। और सुबह सुबह देखिए, हमारे बच्चे आज से ना एग्जाम खत्म हो गए हैं हमारे बच्चे का, तो आज से घर पे ही रहना है, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी है और 31 तारीख को निकलने वाला है रिजल्ट। तो इस सबको आज घर में ही मस्ती है, खाए पिएगी और मौज करेगी। अभी देखिए, अभी तक ना मोबाइल देख रही थी, मोबाइल अभी मांगे हैं वीडियो बनाने के लिए। और बेटा हमारा पैसा दिखा रहा है, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। ये तो इतना बदमाश है ना कि कुछ कहिए नहीं। और आप लोग जानते हैं कि हमारा वीडियो जो नहीं बन रहा था दोस्तों, हमारी तो रात में ना भिंगो कर मूंग को रखी थी, खड़ा मूंग गुड़ में जो खाया जाता है। ये देखिए, ये है मूंग, हटो छोटी। ये देखिए मूंग है, इसको छान रही है। तो यहाँ पे इसको मूंग को छान रही है। और मूंग को गुड़ में खाइएगा ना तो शरीर में एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। और हमारी अभी यहाँ पे बनी है सब्जी चावल। यहाँ पे देखिए सहजन की सब्जी और चावल बनाए हैं। और पति देव जी अभी ना चले गए हैं जस्ट काम करने, तो अभी खाएं, खाना पीना खाए गए हैं और आएंगे कुछ देर में। छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो। और देखिए दोस्तों, ये आम जो रात को लाए थे, उस आम की चटनी बनाए हैं। वो चटनी बनाने के लिए आम खरीद कर लाए थे, फर्स्ट बार आया है, पहला सीजन का पहला फल। तो दोस्तों अभी चलते हैं काम करने, क्योंकि अभी देखिए कैसे बेड पर बिखरा पड़ा है। तो सारा काम करेंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि टेंशन से ना दो दिन से क्या, जब जिस दिन से लाइन कटा हुआ था ना, उस दिन से अच्छा से खाना नहीं खा रहे थे, क्या बताएं आप लोगों को। और 2 दिन से तो इतना और टेंशन था ना कि 1:30 बजे कल भी खाना खाए थे और परसों भी 1:30 बजे खाना खाए थे। तो कुछ नहीं दोस्तों, कैसे तो कहावत है ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो जितना चिंता करेंगे उतना हमारा ही नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे।
और जैसा कि मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, मेहनत का फल हमें आप लोग दीजिए, हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, ताकि हमें भी फ़ायदा कुछ हो, हमारी मजबूरी ख़त्म हो। और आप लोगों को तो बता रहे हैं इन दिनों इतना हमारे यहाँ खर्चा है ना दोस्तों कि क्या बताएं। जैसा कि देखिए बिजली बिल देना है, इतना खर्च हो गए हैं। तो दोस्तों इन दिनों इतना ज़्यादा बता रहे थे, अभी ना बेड़ी छोटी बेटी हमारी टीवी चालू कर दी, ऑन कर दी, बता रहे थे इन दिनों इतना खर्चा चल रहा है ना कि अब देखिए बिजली बिल इतना देना है, 13,000 रुपया देना है दोस्तों। और अब पर्सनल मीटर मेरा लग रहा है तो उसमें 2,500 रुपया दिया है, और बच्चे का बुक खरीदना है, इतना इन दिनों है ना खर्चा, टेंशन के हम क्या ही बताएं दोस्तों। एक एक आदमी को कमाने अधिक कमाई से ना ये सब पॉसिबल नहीं होता है, क्या करें, मजबूरी है। फिर भी कुछ नहीं, हम लोग ना हैप्पी रहते हैं, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग पूरे परिवार हैप्पी हमेशा रहते हैं, हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मूंग को छान कर और ये लगा दी है, बांध दी है गांठ, ताकि ये ना ये शाम तक इसमें ना अंकुर आ जाएगा, तो अंकुर वाला खाने से ज़्यादा पौष्टिक आहार जैसे कि शरीर में ताकत मिलता है। तो चलिए दोस्तों कुछ नहीं, हम अब हैप्पी ही रहेंगे और जलने वाले को जलाते रहेंगे, हमसे जलें, जल कर राख हो जाएं। देखिए दोस्तों अभी मेरा हालत, हुलिया देखिए कैसे बनाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि मेरे घर में बहुत सारा चुटरी चल रहा था, तो उसको हम दवाई दे दिए हैं ना, तो मर गया है, ऐसा जगह पे मर गया है ना असियार में कि साला निकल नहीं रहा है। इसको देखिए कैसे मेहनत से निकालने जा रहे हैं, और इतना बदबू दे रहा है कि हम क्या ही बताएं। नाक में ना गमछा को बांधे और बांध कर कोशिश करते हैं निकालने के लिए, ऐसा जगह है ना कि निकल हाथ पहुंच ही नहीं रहा है। इसको देखिए ये औजार है, इसके इस्तेमाल निकालने वाले हैं। अरे बंद कर देना खुचड़ी खुचड़ी। यहाँ पर मेरी बहन जूड़ा बना रही है, जूड़ा बना के सीख रही है, इसे कोनो भी तक तो। देखिए 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 कैसे ऐसे जूड़ा बनता है बताइएगा। आई देखिए ये देखिए देखिए बच्चे को हर ज्ञान होना चाहिए, ज्यादातर बेटियां को। तो दोस्तों मेरी काम खत्म हो गई है, और चुटरी जब निकाले वहां कोना में से ना इतना सड़ा हुआ था ना कि इतना बदबू आ रहा था कि हमें तो उल्टी होने लगा, क्या करे मजबूरी में कैसे भी फेंके, और फेंक कर घर धोए हैं। घर धोने के बाद ना अच्छे से नहाए धोए हैं और जाकर अभी रेडी हुए हैं खाना वाना खाकर। और बेटी को हमारा देखिए हुलिया ये दुपट्टा के ना जैकेट बना के पहनी हुई है, ये देखिए कैसे बनाई है पीछे से दिखा दो, पीन लगा लगा के पहनी हुई है दुपट्टा के जैकेट, ये देखिए इसका पूरा लुक। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं, ब्लॉग को नहीं देखते हैं, तो आई होप कि देखिए आप लोग, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा भी कुछ मदद हेल्प हो सके। आप लोग को जान रहे हैं कि हम किस स्थिति से जूझ रहे हैं इन दिनों दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारे बच्चे के खातिर कि हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को भी देखिए और शेयर कीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं चूड़ा भूनने, तो इस बार होली में गए थे दोस्तों मम्मी के यहाँ ना, तो मम्मी मेरी फिर से चूड़ा कुटा के रखी हुई थी तो फिर से दे दी है, लगता है कि बहुत सारा आटा वाले 10 किलो आटा वाला झोला से आधा झोला, सोच लीजिए कितना है चूड़ा। तो अभी बच रहे हैं, एक दिन पोहा वाले जो लिट्टी बनाए थे ना सत्तू वाला, और अभी बहुत सारे बच रहे हैं, तो जा रहे हैं आज भूनने, तो इतना सारा भूनेंगे बादाम डाल के, भूनेंगे और डब्बा में भर के रख देंगे और खाएंगे कुछ। तो ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया है, अभी बज रहा है शायद एक नहीं 2 बजने वाले हैं, 2 बजने में 10 मिनट देरी है। देखिए सिंदूर लगाए थे यहाँ पर, सिंदूर गिर गया है। तो दोस्तों ये 10 रुपए का अभी बादाम मंगाए हैं देखिए, और भूनेंगे, भून कर खाएंगे। और बेटा जी हमारे ना टीवी देखते देखते सो गए हैं, देखिए शाम को जाना है इनको ट्यूशन, तो सो गए तो छोड़ दिए, नहीं जगाएं, अब चूड़ा भून लेंगे ना तब जगाएंगे। तो चूड़ा मेरा भुना गया है दोस्तों, आइए आप लोग खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, ये देखिए। और बड़ी बेटी हमारी ना टमाटर काट कर नमक में बोर के खा रही है, तो
तो आइए, खाना चाहते हैं तो आप लोग खा लीजिए। सबसे पहले हम चूड़ा खा लिए, ये सब चूड़ा खा ली है और हम वीडियो में थंबनेल थोड़ा सा बना रहे थे।